हेलो एवरीवन तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यू पी पी सी एल या फिर एस डी ओ होते हैं और जे इनका काम क्या होता है तो ये देखिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है जहां भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसके आ, क्या स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उस कंपनी की उस ऑर्गेनाइजेशन की और वहाँ पर काम क्या होता है जिस पोस्ट पर हम जा रहे हैं वहाँ पर क्या काम होता है इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं ठीक है इससे ये पता लगता है कि आप लोग कितने वेल अवेयर हैं तो देखिए यूपी पीसी का जो मेन काम होता है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का होता है तो ट्रांसमिशन के लिए अलग कंपनी रहती है जिसको हम लोग यूपी पी बोलते हैं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टोटल पांच कंपनियाँ रहती हैं जिसको हम लोग इन शॉर्ट डिस्कॉम बोलते हैं और जनरेशन के लिए एक पूरी अलग इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसका हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत वितरण उत्पादन निगम लिमिटेड करके बोलते हैं ठीक है तो ये इसका रिक्रूटमेंट अलग से होता है लेकिन यूपी पी सी एल से जो रिक्रूटमेंट होती है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है ठीक है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो पांच डिस्कॉम्स हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं उसमें से पहला होता है हमारा केस्को तो केस्को ये जो कानपुर वाली सिटी वा है उसको इंडस्ट्रियल एरिया ये सब कानपुर सिटी ये पूरा देखता है उसके बाद आता है हमारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तो ये पश्चिमांचल वाला जो एरिया है जो मेरठ और ये सहारनपुर एनसीआर के पास जो सटा वाला, वाला रीजन है ये सारा पश्चिमांचल में आता है और नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये आगरा साइड के जो एरिया है वो आता है ठीक है और फिर आता है हमारा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये लखनऊ उन्नाव फैजाबाद ये वाले सारी जगह मध्यांचल में आती हैं। फिर नेक्स्ट आता है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो पूर्वांचल में तो हमारा वाराणसी आजमगढ़ गोरखपुर इलाहाबाद ये सारी जगहें आती हैं पूर्वांचल में ठीक है तो ये डिस्ट्रीब्यू डिस्कॉम्स कितने थे उसके बारे में एक बेसिक आइडिया आप लोगों को देना था चलिए दोस्तों क्या है कि आ, अब हम लोग देख लीजिए यूपीपीसीएल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मिल के बना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पांच कंपनियां है ठीक है अब एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर जान ले तभी थोड़ा एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल पाएगा देखिए क्या जो डिस्कॉम है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं उसको कई सारे जोन में बांटे गए और उस जोन को फिर सर्किल में बांटा गया है और उस सर्किल को फिर डिवीजन में कई सारे डिवीजन में बांटा गया है और उस फिर डिवीजन को हम लोग सब डिवीजन में बांटते हैं और सब डिवीजन को फिर उसमें अलग अलग तरह के पावर हाउस सब स्टेशन ये चीज़ें रहते हैं तो देखिए क्या है जो हमारा डिस्कॉम है जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तो हमारा डिस्कॉम क्या हो गया पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम निगम लिमिटेड हमारा ये हो गया डिस्कॉम अब इसमें जोन अब इसका जो सब डिवीजन है क्या है वो जोन तो जोन हमारे कई सारे हो सकते हैं जैसे वाराणसी जोन हो गया गोरखपुर जोन हो गया इलाहाबाद जोन हो गया ये सब जोन हो गए, ठीक है अब फिर जोन के अंदर एक सर्किल जोन के अंदर कई सारे सर्किल जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक वाराणसी अगर जोन ले रहे हैं तो उसमें दो तीन सर्किल है ठीक है अब फिर हर सर्किल में कुछ डिवीजन है ठीक है जैसे मान लीजिए सर्किल वन है तो उसमें दो डिवीजन है मान लीजिए सपोज या फिर सर्किल टू है, है तो उसमें दो डिवीजन है।, है ओके और फिर सब डिवीजन है सब डिवीजन एक डिवीजन में दो तीन सब डिवीजन होते हैं तो देखिए जो डिस्कॉम का जो मेन हेड होता है वो होता है एमडी या डायरेक्टर ठीक है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो ओवरऑल हेड एमडी होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं तो ये जो डायरेक्टर होते हैं ये बेसिकली चीफ इंजीनियर ही होते हैं चीफ इंजीनियर लेवल टू के और ये जो एम होते हैं ये आई रैंक के होते हैं आई रैंक के होते हैं और जो जोन फिरा पाते हैं तो जोन में हमारा चीफ इंजीनियर लेवल वन रहता है ये लेवल वन लेवल टू यही है कि पहले जैसे आप प्रोमोशन पाते हैं तो लेवल वन में रहते हैं फिर लेवल टू में जाते हैं तो जिसको हम लोग आ, सी बोलते हैं इन शॉर्ट और हिंदी में मुख्य अभियंता तो जोन का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है हेड पर्सन होता है वो होता है चीफ इंजीनियर और फिर जो, जो जोन को हम लोग सर्किल में डिवाइड किए हैं वहाँ पर हमारा रहता है चीफ वहाँ का जो हेड रहता है वो क्या रहता है एस रहता है सुपरटेंडिंग इंजीनियर बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग अधिक्षण अभियंता बोलते हैं फिर सर्किल से नीचे हम लोग सर्किल को जब सब डिवाइड करते हैं डिवीजन में तो उसका जो हेड होता है एक डिवीजन का वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते बोलते हैं हैं या फिर अधिशासी अभियंता ठीक है फिर एक डिवीजन को हम लोग दो सब डिवीजन या तीन सब डिवीजन में जब बांटते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सब डिवीजन ऑफिसर वहां का जो सब डिवीजन का जो हेड है उसको कहते हैं एस या फिर सहायक अभियंता सब डिविजन ऑफिसर फिर एक सब डिवीजन में पावर हाउस कई सारे रहते हैं तो वहां के जो हेड होते हैं वो होते हैं जेई ठीक है और फिर उसके पावर हाउस के अलावा कई सारे सब स्टेशन रहते हैं वहां के जो हेड होते हैं वो होते हैं एसएसओ तो जिनको हम लोग लオ... सब स्टेशन ऑपरेटर बोलते हैं और जेई को हम लोग लオ... क्या बोलते हैं अवर अभियंता बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो ये एक बेसिक आप लोगों को हाइयर की दिख रही होगी कि कैसे एम फिर चीफ इंजीनियर फिर सुपरटेंडिंग इंजीनियर फिर डबल ई फिर एस फिर जे फिर एस तो आप लोगों की जो हम लोग की रिक्रूटमेंट होगी वो इस लेवल में होगी सब डिवीजन लेवल पे हम लोग ए ही रहेंगे या फिर एस डी रहेंगे ओके okay? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था अब चलिए थोड़ा कुछ और देखते हैं देखिए जो हमारा ए है एस है उसका इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है तो एक्सियन है एक्सियन मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शॉर्ट फॉर्म लोग एक्सियन बोलते हैं ठीक है और जेई या फिर टी टू है इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है तो ए है एस जिसको हम लोग बोलते हैं ओके अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे अगर आप लोगों के डिपार्टमेंट रहते हैं जैसे ए में भी एस में भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे पूरा विभाग में केवल अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है ठीक है तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के स्टाफ भी रहते हैं जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है उस तरह के स्टॉफ स्टाफ भी रहते हैं तो जिसमें ये वेरी करता रहता है जैसे हमारे स्टाफ कौन कौन से हो, हो सकते हैं जे हो सकते हैं संविदा कर्मी हो सकते हैं जो प्राइवेट बंदे रखे जाते हैं कोई काम करने के लिए जनरली लोकल लोग ही रखे जाते हैं ठीक है लाइनमैन होते हैं टी टू होते हैं हमारे ये स्टाफ फिर कम ये हमारे विभाग के लोग होते हैं ओके और ये बाबू बाबू ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे विभाग के ही लोग होते हैं ये कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो प्राइवेट लोग होते हैं अकाउंटेंट ये भी हमारे विभाग के लोग होते हैं कैशियर और ये चपरासी ड्राइवर और ड्राफ्टमैन और कैश काउंटर ऑपरेटर जो हमारी बिल काटने वाली या फिर बिल कैश जमा करने वाली जो एजेंसी होती है उनके कुछ ऑपरेटर रहते हैं तो ये जगह जगह पे डिपेंड करता है जैसी आपकी डिपार्टमेंट है जैसा ऑफिस है उसमें कुछ लोग रहेंगे कुछ लोग नहीं रहेंगे ठीक है अब देखते हैं कि ए की पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है किस किस डिपार्टमेंट में हो सकती है तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग यहाँ जा सकते हैं एस जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ठीक है तो ये पूरा एक जो भी हम सप्लाई ले रहे हैं एक उसकी जो भी हम हम लोग को पता है कि हर चीज़ें आजकल इंटरकनेक्टेड ग्रिड हैं पूरे पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स के पावर हैं या फिर ओवरऑल uh, जो ऑल इंडिया पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो एक मतलब इंटर कनेक्टेड ग्रिड से हो रहा है तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में हम लोग देखते हैं कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे सप्लाई हो ठीक है और ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो जो भी इंडिया के नॉर्म्स हैं जो भी स्टैंडर्ड हैं उन पे दे रहे हैं कि नहीं ठीक है फिर अगला होता है सब डिवीजन जिसमें एस रहता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में फिर होता है ट्रांसफार्मर वर्कशॉप ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में जैसे ट्रांसफार्मर कोई जला हुआ है उसका रिपेयरिंग होना है ठीक है या फिर नए ट्रांसफार्मर हमको साइट पे पहुंचाने हैं तो अलग अलग रेटिंग के लिए अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग वर्कशॉप रहते हैं तो जनरली क्या होता है कि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर जलते हैं रेनी सीजन में तो उस हिसाब से हमको अपना बैकअप एक तैयार करना रहता है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर को पहले से हम लोग रिपेयर कर लेते हैं ताकि जब रेनी सीजन में बहुत सारे ट्रांसफार्मर जले आएँ तो उनको रिप्लेस करने में टाइम ना लगे क्योंकि जो मेंटेनेंस हो रहा है जो रिपेयरिंग हो रही है जले हुए ट्रांसफार्मर की उसमें टाइम लगता है तो ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का ये काम होता है जनरली जेई देखता है अब तो, आ, पहले तो जेई वहाँ रखे जाते थे लेकिन अब एस डी ओ के लोगों को भी वहाँ पे भेजा जाने लगा नेक्स्ट होता है स्टोर तो स्टोर में कोई भी सामान आया कितना आया कितना गया ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना रहता है और जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे भेजा जाता है नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन जैसे कोई सब स्टेशन बन रहा है या फिर कोई लाइन बन रही है तैंतीस के वी की ग्यारह के वी की या फिर अंडरग्राउंड केबल बिछना है तो ये सब जो भी चीज़ें होती हैं मॉनिटरिंग और पास करना ये सब कंट्रेक्टर्स को पूरा मॉनिटर करना ये सब चीज चीज़ें कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में किया जाता है एस और जे एम के करते हैं फिर है मीटर ही जो मीटरिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें मीटर जल गया नया बदलना है पुराना वा वापस लेना है क्या रीडिंग थी ये सब चीज़ें मीटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं मीटर डिपार्टमेंट देखता है फिर नेक्स्ट होता है रिवेन्यू रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी हमारे डिफ़ल्टर्स हैं जो बिल नहीं जमा करते हैं उनकी पूरी एक मॉनिटरिंग होती है आ, हमारी आ, कितने बाकायदार हैं इतने कितने लोग पुराने कितने महीनों से जमा नहीं किए उसका पूरा एक हिसाब रखना और लोग आ रहे हैं अगर उनकी बिल गलती है तो उनके बिल की सुधार करना ये सब चीज़ें ए रिवेन्यू देखता है फिर ए ई आई टी रहता है जो भी हमारी साइट्स हैं वेबसाइट्स हैं उनका उनके पर रख रखाव ये लोग देखते हैं जैसे स्मार्ट मीटर चल रहा है या फिर कोई ऑनलाइन पोर्टल है तो उसका भी ये लोग मॉनिटरिंग और ये मेंटेनेंस ये सब करते हैं देखते रहते हैं नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एस डी आई तो वही जो हमारी सप्लाई आ रही हैं ट्रांसमिशन क्या है एक हाई वोल्टेज का है जो जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचा रहा है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू तो ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉपर मॉनिटरिंग मेंटेनेंस और ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी ट्रांसमिशन के एस डी और वहाँ के स्टाफ की होती है ठीक है तो ये एक थोड़ा बेसिक ओवरऑल आइडिया था कि क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट चलिए अब ड्यूटीज देखते हैं ये ओवरऑल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है लगभग एस डी और ए की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसी तरह की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जेई की होती है अपने एरिया में लोअर लेवल पे और थोड़ी हायर लेवल पे एस डी ओ की होती है उससे हायर लेवल पे एक्सीन की होती है इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि देखिए सबको एक सिस्टम मिलता है ऑफिस में जिसमें हमको आईडी यूज़र और पासवर्ड मिलता है तो अलग अलग आईडी की अलग अलग पावर रहते हैं जैसे एक्सियन की अगर आईडी है तो उसकी पावर अलग है उसकी पावर ज़्यादा है एसडीओ की आईडी है उसकी पावर ज़्यादा है कैपेबिलिटी ज़्यादा है जेई की आईडी रहती है उसकी पावर कुछ कम रहती है बाबुलों की आईडी रहती है वो पावर कुछ कम रहती है तो जैसी पोस्ट उस हिसाब से आईडी की कैपेसिटी रहती है चलिए देखते हैं मेन काम क्या है क्या किया जाता है वहाँ पे एक थोड़ा आप लोगों को बेसिक आइडिया लग जाएगा मेन चीज़ें डीप में तो जब आप जब रिक्रूटमेंट के बाद जब लोग काम करने आएंगे तभी पता लगता है लेकिन एक थोड़ा एक बेसिक आइडिया देना चाहिए देखिए इसमें क्या है जैसा कि आप लोगों को पता है पावर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो अनइंटरप्टेड सप्लाई देना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट हैं सरकारी जितने भी सरकारें आती हैं वो चुनाव में अपना मुद्दा उनका बहुत बड़ा रहता है कि मतलब हम अच्छे सप्लाई देंगे बिजली अच्छी देंगे तो आ, उस हिसाब से हमारे हमारा भी काम बढ़ता है हमारा भी कर्तव्य बढ़ बनता है क्योंकि हम सरकार के एक अंग हैं तो हम सरकार के जो भी पॉलिसीज आ पॉलिसी रही हैं जो भी स्कीम्स आ रही हैं उनका अच्छे से पालन करें तो जो मेंटेनेंस हो रहा है अनइंटरप्टेड सप्लाई का आ, ये पहला है हमारा मेंटेनेंस ऑफ अन इंटरप्टेड सप्लाई इन एरिया हमारे एरिया में जो भी पावर सप्लाई है वो कम से कम इंटरप्ट हो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा हम बिजली दें ठीक है ये इंश्योर करना है हमको और इसको इंश्योर कैसे करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारा सब स्टेशन है उसके इक्विपमेंट्स जो लगे हैं चाहे आइसोलेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे सर्किट ब्रेकर हो चाहे रिले हो या फिर कोई और इक्विपमेंट है उनका एक प्रॉपर मेंटेनेंस हो वो अच्छे से काम करें तभी वहाँ के बिजली घर के आसपास जितने एरिया हैं वहाँ पे अच्छे से लाइट पहुँच सके नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है उनकी उनकी हम लोग कैपेसिटी बढ़ा दें ताकि वो जले ना अगर जलते हैं तो फिर मेरा भी तो काम बढ़ जाता है उनको बदलना पड़ता है ये सब चीज़ें होती हैं तो ओवरलोडेड होने से पहले ही अगर हम लोगों की कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो मेरा भी काम बच कम हो जाएगा और कंज्यूमर भी खुश रहेंगे जो भी हमारे पब्लिक है वो भी खुश रहेगी और क्या देखते हैं कि अगर कोई फ़ीडर बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रहा है बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रहा है तो उसकी मैंटेनेंस कराएँ उस फीडर की नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फॉल्टी इंसुलेटर है कंडक्टर है अगर हमारे फीडर में कोई कंडक्टर लगा है जो बहुत पुराने समय से लगा है एकदम जर्जर हो गया है तो उससे बहुत दिक्कत हो रही है तो उसको चेंज करा दें उस पर नया लगा दें ताकि लाइन लॉस भी तो हमको कम करना है अपना ठीक है नेक्स्ट है रिवेन्यू रियलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवेन्यू के बिना तो कुछ काम होगा नहीं अगर हम बिजली किसी को बेच रहे हैं तो फ्री में तो बांटेंगे नहीं उनसे पैसा पैसा तो वसूल करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि अब विभाग का नुकसान हमारा नुकसान है तो हम रिवेन्यू रियलाइजेशन के लिए क्या करेंगे जो हमारी बिलिंग एजेंसी है जो अलग अलग बिलिंग एजेंसी हैं उनका हम कोशिश करें कि वो हंड्रेड परसेंट बिलिंग करें सारे कंज्यूमर के यहां बिल पहुंचे और सही बिल पहुंचे ठीक है अगर बिल सही नहीं पहुंचता है तो उसको उसकी बिल रिवीजन कराइए उसकी सुधार कराइए सही बिल कंज़्यूमर को पहुंचाइए। अगर वो कंज्यूमर आता है गलत बिल उसकी बनी है तो उसकी सुधार कराइए और ख़ासकर से बड़े कंज्यूमर जो हमारे जो इंडस्ट्री हैं जो बड़े बड़े मॉल हैं वो हमारे मेन कंज्यूमर है वहाँ से हमारी रिवेन्यू सबसे ज़्यादा रहती है तो वहाँ की तो मॉनिटरिंग एकदम अच्छे से करिए छोटे मोटे कंज्यूमरों की तो लोअर लेवल पे मॉनिटरिंग हो ही रही है लेकिन बड़े जो कंज्यूमर हैं उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग करिए कि वो बिल उनकी पूरी मीटर सही काम कर रहा है कि नहीं ऐसा ना लगे कि वो मीटर कुछ और लगाए हैं और बिल किसी और का जमा कर रहे हैं या फिर मीटर से चोरी कर रहे हैं बाईपास कर रहे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेन रिवेन्यू के सोर्स यही लोग हैं फिर हम लोगों को क्या करना है कलेक्शन एफिशेंसी बढ़ाना है बिल अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग पहुँचेगी तो बिल जमा करने भी आएंगे तो उनको कोशिश करना है कि अच्छे से उनका कलेक्शन कराएं अगर किसी का ज़्यादा बिल है अगर पूरा जमा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए किस्त बना दें उनके लिए छोटे छोटे रकम बना दें ताकि वो जमा कर लें जैसे मान लीजिए एक लाख का बिल ला आ गया किसी का अगर उसके पास अभी तीस हज़ार ही है तो उससे तीस हज़ार जमा करा लें बाकी उससे लिखवा लें कि हाँ तुम इतने दिन तक दोबारा बाकी जमा कर दो अगर फिर भी लोग बिल नहीं जमा कर रहे हैं तो उनका डिस्कनेक्शन किया जाना चाहिए उनकी लाइट काट दीजिए उनकी तार और पूरा निकाल लीजिए और अगर दोबारा जोड़ते हैं तो उन पर एफ़ कर दीजिए ठीक है हालांकि दोबारा नहीं जोड़ते हैं अगर डिस्कनेक्शन होगा तो लोग बिल जमा करने आ ही जाते हैं कुछ लोगों को छोड़ के तो उन एफ आई करना चाहिए ठीक है और नेक्स्ट है अगर किसी का बिल बहुत ज़्यादा बकाया है तो उनको एक नोटिस भेजनी चाहिए सेक्शन थ्री और सेक्शन फाइव की तो नेक्स्ट है कि एक जैसे गांव में रूरल एरिया में क्या होता है कि बहुत दूर बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस के एरिया रहते हैं जैसे बीस के बीच मीटर पच्चीस किलोमीटर के एरिया रहते हैं तो वहाँ पे लोगों को बहुत असुविधा होती है रोज़ मतलब हर महीने में रिवेन्यू कलेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी नो डाउट उतनी दूर है तो तो उनको जमा करने में प्रॉब्लम होती है तो एक रिवेन्यू कलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज़ करते रहिए अलग अलग एरिया में डिफरेंट टाइम पर तो फिर क्या है कि ऑनलाइन स्मार्ट मीटर अगर आजकल लग रहे हैं हर जगह हर जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो अपने एरिया में कोशिश करिए कि अच्छे से लगे इम्प्लीमेंट हो और क्योंकि स्मार्ट मीटर से हमारा ही फ़ायदा है इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन है हम कनेक्ट भी खुद से कर सकते हैं डिसकनेक्ट भी कर सक कर सकते हैं अपने ऑनलाइन सिस्टम से प्रीपेड मीटर ये सब अगर ज़्यादा कंज्यूमर रहेंगे तो हमारे लिए काम आसान रहेगा हम मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएंगे ठीक है तो ऑनलाइन इस ऑनलाइन स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर ये सब चीजें देखी जाती हैं क्योंकि यही हमारे टूल्स हैं जो रिवेन्यू लाते हैं मीटर ही तो हमारी बिजली नापती है कितना कंज्यूमर यूज किया रिड्यूस ए टी एनसी लॉसेज एक तरह का ए टी लॉस होता क्या है देखिए ये मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज तो देखिए टेक्निकल में तो आप लोगों को पता है कि जो लाइन लॉस हो रही हैं जो भी हमारी लाइन है एक कंडक्टर है उसका कुछ रेजिस्टेंस है उसमें जब करंट फ्लो हो रहा है कुछ टाइम के लिए तो कुछ एनर्जी हमारी डिसिपेट होगी वेस्ट होगी तो वो लॉस प्लस कॉमर्शियल लॉस कॉमर्शियल लॉस मतलब कि जो हम बिजली अगर किसी से खरीद रहे हैं इतने मान लीजिए अगर सौ रुपये की बिजली हम खरीदें किसी से जनरेटर से जो भी हमारे जनरेटर हैं उनसे खरीदें अगर हम उनको केवल अस्सी रुपये ही उससे पैसा ला पा रहे हैं बेच के तो हमारा जो लॉस हो गया वो ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट क्या ट्वेंटी परसेंट हो गया तो ए टी सी लॉस हमारी कितनी होगी ट्वेंटी परसेंट तो कॉमर्शियल लॉस की जो हम एनर्जी बेचे लेकिन उससे फायदा नहीं ले पाए मतलब उतनी उतने, उतने का पैसा वसूल नहीं पाए तो ये कॉमर्शियल लॉस में हो गया और टेक्निकल लॉस में क्या हो गया हमारा लाइन लॉसेज ये सब चीजें तो हमको दोनों को कम करना है हमको कोशिश करना है कि पंद्रह परसेंट से मिनिमम एटलीस्ट पंद्रह परसेंट से कम रहे ठीक है तो ओवरऑल अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट एनर्जी कितना हम एनर्जी लिए उसका कॉस्ट और कितना रिवेन्यू हम उससे रियलाइज किए उसको बेचे तो कितना रिवेन्यू हमारे पास आया उस उतने यूनिट की बिजली बेचने के बाद तो उसका अगर परसेंटेज अगर हम लोग निकालते हैं तो होता है हमारा ए टी लॉस फिर क्या करना है कि अपने एरिया में जो भी हमारा एरिया है हमको कोशिश करना है कि पावर थ्रेपुट को रोका जाए अगर लोग बिना कनेक्शन के बिजली यूज कर रहे हैं तो कोशिश किया जाए कि उनको पकड़ा जाए उन पर फ़ाइन लगाया जाए और अगर फाइन अगर लगाते हैं अगर बार बार वो नहीं मानता है तो उसको एक कनेक्शन दें उसको बोलें कि आप कनेक्शन ले लो ठीक है ताकि वो मेन जो स्ट्रीम है जो मेन जैसे पब्लिक आम पब्लिक बिल जमा करती वैसे वो जमा कर पाए फिर क्या करना है कि इंश्योर प्रॉपर टाइमिंग शट डाउन ऑफ मिनट ठीक है क्या है कि जो हम लोग सट डाउन लेते हैं जैसे हमको मेंटेनेंस करना रहता है अलग अलग एरिया में तो ऐसा नहीं कि एक एरिया में अभी सट डाउन लिया थोड़ी देर बाद दूसरे जगह काम होने लगा तो वहाँ फिर से सट डाउन ले लिया तो इससे हमारा जो पावर सप्लाई है वो इंटरप्ट हो रही है बार बार तो ये सही चीज़ नहीं अगर है, अलग -अलग है अगर काम होने हैं अलग अलग एरिया में मान लीजिए दो तीन एरिया हैं अगर काम होने हैं तो कोशिश करिए कि एक ही टाइम पे हर जगह काम हो ताकि हम एक बार सट डाउन ले और हर जगह का काम हो जाए ऐसा ना हो कि इसके लिए इंडिपेंडेंट शटडाउन ले रहे हैं इसके लिए इंडिपेंडेंट शटडाउन ले रहे हैं सट डाउन मतलब कि बिजली बंद करना ठीक है फिर क्या है कि आजकल हर चीज़ें पब्लिक की सहूलियत के लिए हमारा बिजली विभाग जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर रहा है मॉनिटरिंग ताकि अच्छे से हो जाए जो हमारी आ, तो उसमें क्या है कि ऑनलाइन चीज़ों के साथ साथ टोल फ्री नंबर ये सब चीज़ें चलाई गई हैं पब्लिक की सहायता करने के लिए तो वो सब कोशिश करना चाहिए कि पेंडेंसी जितनी हो कम से कम रहे पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो इस उन्नीस बारह उन्नीस बारह ये कंप्लेन के लिए एक टोल फ्री नंबर है किसी कंज्यूमर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पर वो कम्प्लें करता है तो अब जो भी आपके स्टाफ हैं उनसे बोल के इनका कंप्लेन दूर करवाना चाहिए झटपट पोर्टल है ये न्यू कनेक्शन के लिए है डोमेस्टिक जो भी घरेलू कनेक्शन होते हैं उनके न्यू कनेक्शन के लिए पोर्टल है इसमें लोग अपना आवेदन करते हैं तो इसको भी कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनका कनेक्शन दिया जाए फिर निवेश मित्रा एक पोर्टल है उसमें हम लोग कॉमर्शियल कनेक्शन देते हैं मतलब जो दुकान और ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले कंज्यूमर रहते हैं उनको हम लोग निवेश मित्र से कन न्यू कनेक्शन देते हैं तो यही है कनेक्शन देने के लिए ताकि थोड़ा हम अच्छे से उनको दे पाएं कनेक्शन जल्दी मिल पाए ताकि उनके लिए भी सही रहे और हमारे लिए भी सही रहे मैनेजमेंट करना है ठीक है टेक्निकल जॉब तो है लेकिन इसमें केवल टेन परसेंट ही हमारा टेक्निकल स्किल यूटिलाइज होता है नाइन्टी परसेंट मैनेजरियल स्किल होता है ओके okay? तो मैनेजमेंट में हमको ये देखना है कि जो हमारा जो स्टाफ हैं जो स्टाफ रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग सही से यूटिलाइज करें राइट मैन एट राइट प्लेस हम लोग सही आदमी को सही जगह रखें जो जो काम कोई है काबिल है इस काम करने के लिए उसको उस जगह पे रखें ताकि वो काम अच्छे से कर पाए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग पूरा यूज करते हुए यूटिलाइज करते हुए चीज़ों को करना है करना है ये काम होता है ए का फिर जो स्टाफ जो हैं उनको अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनको अवगत कराना उनके बारे में बताना कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसको ऐसे काम करना चाहिए फिर क्या है कि काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो ए -E हैं एस डी ओ हैं उनको सारा काम अपने नहीं करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को तुम ये करो जिम्मेदारियाँ देनी है लोगों को ठीक है सेफ्टी मेजर्स का बहुत ध्यान रखना है अगर कोई दुर्घटना अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो अपने सीनियर या फिर जो हमारे ऊपर के एक सुरक्षा निदेशालय होता है उससे संपर्क करके बातें करनी चाहिए पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पब्लिक मीटिंग के लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए जनरली वो ऑफिसों में 10 से 12 एम रहता है तो हालांकि यहाँ एस डी जेई का बहुत ही फील्ड वाला वर्क होता है तो फील्ड में भी जाना रहता है क्योंकि सब आ, बहुत चीजें देखनी रहती हैं तो कोशिश लेकिन करना चाहिए कि एक अपना टाइम बना लें जिसमें पब्लिक से डील करने का वो रहे टाइम मिले ताकि पब्लिक भी परेशान ना हो अपनी जो प्रॉब्लम है वो सुनाए आपको और आप उसको सॉल्व करें ए सी आर भेजना आपके जो स्टाफ होते हैं उनकी एक रिपोर्ट बनती है एनुअली तो उनको ऊपर भेजना ताकि उनको प्रॉपर जो भी उनकी प्रमोशन ये सब वाली चीज़ें उन कोई दिक्कत ना होती ए सी आर बना के भेजना रहता है परमानेंट डिस्कनेक्शन करना है अगर कोई आ रहा है कि हमारा परमानेंट डिस्कनेक्शन कर दीजिए हम बिजली का अभी यूज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर घर बेच दिए दूसरे को बेच दिए वो कनेक्शन लेगा हम बेचना अपना कनेक्शन बंद कराना चाहते हैं तो उनका हम लोग परमानेंट डिस्कनेक्शन जल्दी से करना चाहिए फिर बिल रिवीजन होना चाहिए जो करंट ट्रेफ टैरिफ है उस पर बेसिस पे जैसे उन्नीस अभी इस समय जैसे उन्नीस बीस चल रहा है तो इस समय जो टैरिफ चल रही है 2019 हजार उन्नीस की तो वो वो टैरिफ यूज़ करना चाहिए ये नहीं कि गलत टैरिफ यूज़ कर रहे हैं तो बिल रिवीजन में ये चीज़ें ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्टर लिस्ट होनी चाहिए जो भी हमारे सब स्टेशन है उस पर डिफ़ल्टर्स की सारे लिस्ट लगा दीजिए ताकि मतलब लोगों को पता चले कि हाँ इतने लोग बिल नहीं जमा कर रहे हैं और उनको बार बार एक मैसेज या फिर बिल भेजते रहिए नोटिस भेजिए कि आप लोग बिल अपना जमा करें डिफेक्टिव मीटर लगें उनको हट उनको चेंज कराना चाहिए मीटर डिपार्टमेंट से बात करके ओके आ, अपने फील्ड में और जितने भी पावर हाउस है सब स्टेशन है उस एरिया में एक बार मतलब ऐसे राउंड पे लेना चाहिए देखना चाहिए कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है कोई ऐसी मतलब चीज़ों को इंस्पेक्ट करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे लगेगा कि अरे ये तो आने वाले समय बहुत दिक्कत करेगा तो उसको चेंज कराएँ उसको मेनटेन कराएँ ये सब चीज़ें ठीक है कोई भी अगर आपका स्टाफ है कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ऊपर के अधिकारियों से बात करके ठीक है तो ओवरऑल यही आइडिया था तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोग इतना बहुत है एनफ है ठीक है तो मेन चीजें जो, जो जरूरत थी वो आप मैंने बता दी ओवरऑल काम यही होता है तो आ, मतलब मेरा ये मानना है कि हमको बी अ पब्लिक सर्वेंट नॉट ऑफिसर आप भले ही ऑफिसर हैं लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट हैं पहले तो पब्लिक सर्वेंट बने रहिए लोगों का काम करिए और यूपी को हम लोग एक अच्छा प्रदेश बनाए लेट्स मेक यूपी ब्राइटर ओके थैंक यू